गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? बच्चों कल मैंने पूरा आपका जो भी क्वेश्चन था सभी मैंने पूरा किया है, पूर्ण किया है, जो पहले सम था और दूसरे सम का पूरा क्वेश्चन खत्म किया है। आज हम क्या करेंगे, दोहरान कार्य शुरू करेंगे। दोहरान कार्य का अर्थ क्या है बच्चों? रिविजन। आज से हम क्या करेंगे, रिविजन शुरू करेंगे। रिविजन जो पहला है, रिविजन नंबर 1, दोहरान कार्य 1 में हम क्या करेंगे, पहले हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी लेंगे। तो वर्णमाला का अर्थ क्या है बच्चों, किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्ण का अर्थ है अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं हम? अक्षर को वर्ण कहा जाता है। और माला क्या है, जो गले में पहनते हैं बच्चों? हार। माला कहते हैं, जो भगवान के लिए हम माला बनाते हैं ना, वही उसे हार कहते हैं। देखिए वर्णों का हार है, अक्षरों का हार। हाँ देखिए, घर में क्या करते हैं आप? एक दागिनी, एक दागा रहती है आपकी मम्मी, तो क्या करती है, फूल कैसे समेटती है, उसमें कैसे जोड़ती है आपकी मम्मी? एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे जोड़ती है क्या आपकी मम्मियां? नहीं ना, तो क्रमबद्ध से, हाँ सही तरीके से क्या करती है, जोड़ती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, माला कहते हैं हम। अभी यहाँ पर भी क्या है बच्चों, वर्णों को अक्षरों को सही तरीके से क्रमबद्ध से जोड़ा हुआ क्या है, माला है। माला है, उसे ही क्या कहते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे वर्णमाला की। परिभाषा क्या है, परिभाषा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, समूह का मतलब क्या है बच्चों, ग्रुप होते हैं। कहते हैं और उन्हें प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे,
चलेंगे। अभी वर्णमाला में कितने प्रकार है बच्चों? तीन प्रकार है, तीन भेद है, तीन रूप है। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। पहला कौन सा है बच्चों? स्वर। स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो किसे कहते हैं हम स्वर? आपको पढ़ाया है बच्चों मैंने, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब क्या है बच्चों? प्रोनंसिएशन, बोलना। इन वर्णों को उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर परिभाषा देखिए, परिभाषा अभी भी देखिए बच्चों, जो भी परिभाषाएं मैं लिखाती हूँ उनको कंठस्थ मत कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, कंठस्थ का अर्थ क्या है? बाहर, बाहर अगर करोगे सिर्फ आपको एक दिन या दो दिन आपको याद रख सकता है, लेकिन अगर आप समझ कर पढ़कर समझोगे, हाँ, कोई भी परिभाषा हो, कोई भी कुछ हो, तो पढ़कर अगर आप समझोगे तो क्या कर सकते हो? आराम से आप समझ सकते हो। देखिए बच्चे यहाँ पर तो परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, किसी किसी दूसरे वर्णों की सहायता की सहायता की सहायता न लेनी पड़े, ताकि आवश्यकता न हो। देखिए यहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलने में, हाँ, किसी दूसरे वर्णों की, क्या कोई भी दूसरे वर्णों की, वर्ण का मतलब अक्षरों की सहायता की आवश्यकता न हो, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। हाँ बच्चों समझ गए आप, स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर इसे कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में, परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाएगा स्वर की परिभाषा लिखिए, स्वर का अर्थ लिखिए, स्वर का अर्थ भाव स्पष्ट कीजिए, या स्वर किसे कहते हैं, तो चारों क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही है बच्चों, डेफिनेशन। परिभाषा का अर्थ क्या है? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखना है आपको। देखिए कि वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की, इन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता न हो, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। तो स्वर में कितने भेद हैं? स्वर में तीन भेद है बच्चों। तो पहले कौन कौन से देखे? स्वर में तीन भेद है, कौन कौन से? पुरुष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए यहाँ पर स्वर की परिभाषा जान ली आप लोगों ने, स्वर किसे कहते हैं। अभी देखिए स्वर में कितने प्रकार है? तीन है। वर्णमाला में कितने प्रकार है? तीन है। बच्चों कंफ्यूज मत बनाओ आप लोगों। देखिए यहाँ पर वर्णमाला में तीन प्रकार है, कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, तीन है। अभी देखिए स्वर में कितने प्रकार है? स्वर में भी तीन प्रकार ही है, कौन कौन से? पुरुष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत
स्वर में ये कौन कौन से बनते हैं बच्चों? स्वर में देखिए ग्यारह परिभाषा लिखकर आपको कौन कौन से ये वर्ण प्रश्न स्वर के तो मैं
नेवल एक माता का समय लगता है उन वर्णों को
के उच्चारण में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है। उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का मतलब अक्षर, जिन अक्षर के उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो स्वर के बिना नहीं रह सकता है, ऐसा उनका हाल है। हाँ, तो स्वर के बिना हमें अधूरा हो, तो स्वर की सहायता के सहायता को लेकर हमें पूरा बन चुका हूँ, ऐसे वो व्यंजन कहता है। तो स्वरों की सहायता चाहिए, इन दोनों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, इन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। आपको एक एग्जांपल में ये क्या है बच्चों, ये स्वर है और ये व्यंजन। तो स्वर क्या कहता है बच्चों, स्वर कहता है मैं आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं रूप रूप मूल रूप में हूँ। तो क्या कहता है ऐसा, स्वर कहता है कि व्यंजन कहता है उसका नाम देखिए, व्यंजन कहता है अरे मैं तो अधूरा हूँ, मैं आधा हूँ, हाफ हूँ। अगर मुझे पूरा करने के लिए क्या चाहिए, स्वर की सहायता चाहिए, स्वर की मदद चाहिए। अभी देखिए ये क्या है बच्चों, ये अनंत क्यों लगाते हैं हम वर्ण के नीचे, व्यंजन के नीचे, क्योंकि वो आधे हैं, आधे हैं। इसको पूरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए क अनंत जमा स्वर के साथ
हम क्या करेंगे, आपको गृह कार्य देंगे। आज का गृह कार्य तो प्रश्न संख्या एक, स्वर किसे कहते हैं?
सब इसे कहते हैं और उनके ग्रेड लिखिए। व्यंजन इसे कहते हैं और व्यंजन में कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? तीसरा, किसे कहते हैं? और भगवान कौन से हैं? हाँ, क्रिसमस का किसे कहते हैं और वहां कौन कौन से बन रहे हैं? चौथा, परिभाषा लिखिए। और दीर्घ स्वर कौन से वर्ण है? दीर्घ स्वर कौन से वर्ण है? बच्चों कॉपी में लिखा है आज, और आज जो भी मैंने क्लास में लिखाया है सभी क्लास का आपके कॉपी में रहना है, कॉपी में लिखना है। बच्चों एक बार लिखना है, दो बार पढ़िए, उसके साथ ग्यारह जो प्रश्न है इसका उत्तर सही आपको लिखना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या सिखाया बच्चों? मैंने आपको वर्णमाला किसे कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कितने कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। और वर्णमाला में कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। और स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी दूसरे की दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन वर्णों को स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और स्वर में उच्चारण में कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कृत स्वर, 3 हैं। और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे उन वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? उच्चारण करने में ज्यादा समय नहीं चाहिए हमें। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी दुगुना समय लगता हो उन वर्णों को दीर्घ स्वर कहते हैं। और कृत स्वर किसे कहते हैं? कृत स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिन वर्णों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय चाहिए उन्हें उन वर्णों को क्या कहते हैं? कृत स्वर कहते हैं। तो बच्चों व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33 है। कभी कहां से कहां तक? क से ह तक। और जो चार आदि की जो अक्षर है उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। क्यों कहते हैं संयुक्ताक्षर? क्योंकि चारों वर्ण दो दो व्यंजन मिलकर बने हुए हैं। वो कौन सा, कौन कौन से है बच्चों? को क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। चार वर्ण क्या है बच्चों? चारों वर्ण दो दो व्यंजन मिलकर बने हुए हैं।
बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म।